नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छ बिहार। मैं हूं आपके साथ शिखर शुक्ला। वक्त हो चला है आज की सुर्खियों का। बिहार में 24 घंटे में मिले 7,494 नए केस। 3 दिन में 25,103 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 27,504 की हुई रिकवरी। 77 की गई जान। सिर्फ 18 प्लस के लिए 11 करोड़ चाहिए डोज। बिहार में भी वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर की मांग। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 6 माह में 80% वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो हालत होगी गंभीर। रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने के लिए हो रही है तैयारी। अब हॉस्पिटल नहीं कर पाएंगे चोरी, पोर्टल पर अपलोड करनी होगी डिमांड। औषधि नियंत्रण विभाग की होगी निगरानी। पंचायत प्रतिनिधि 24 घंटे में अपडेट कराएं मौत का डेटा। पटना हाईकोर्ट का आदेश, जानकारी देने से चूके तो पद से हटाए सरकार। हर गाँव में मेडिकल सुविधा बढ़ाएं। भागलपुर के MP अजय मंडल के कोरोना से निधन की अफवाह। सांसद ने SSP को दिया आवेदन, कहा मेरी मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ा, आरोपी को पकड़ें। अब बक्सर सदर अस्पताल की 5 एम्बुलेंस हुई गायब। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के प्रतिनिधि ने 8 मई को सर्विसिंग के लिए गई एम्बुलेंस को गैराज से किया रिसीव, अब बोले नहीं जानते। तेजस्वी यादव और सांसद पशुपति के लापता होने के लगे पोस्टर, 51,000 का है इनाम। लालू ने गंगा में बहते शवों को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, बोले गंगा मैया को लाशों का अंबार बनाना है शर्मनाक। कोरोना पर JDU RJD में आरोप प्रत्यारोप जारी। उमेश कुशवाहा बोले बिहार की राजनीति में लालू परिवार अब कोई फैक्टर नहीं। बांका में बाजार बंद कराने पहुंची पुलिस पर दुकानदारों ने फेंका गरम तेल, थाना प्रभारी सहित 3 जख्मी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की हालत और बिगड़ी, DMCH से पटना किए गए रेफर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कटिहार में लगाएगा PSA ऑक्सीजन प्लांट। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल में लगेगा PSA ऑक्सीजन प्लांट, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। सीतामढ़ी में पति की रिहाई के लिए पहुंची नेपाल की 2 महिलाएं, लॉकडाउन के कारण नहीं हो पा रहा काम। बिहार में बढ़े ब्लैक फंगस के मरीज, 9 नए मामले के साथ 19 तक पहुंचा आंकड़ा। बीच रास्ते में दरोगा को गाड़ी से खींचकर पीटा। मुंगेर में दारू पिए दरोगा ने बाइक सवार को रोका, थौंस दिखाकर वसूली करनी चाहिए तो युवकों ने पीट दिया। खुद बीमार हुए तो आया मदद का ख्याल, दवा कंपनी के मालिक ने पटना के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को दी महीने भर की विटामिन सी की डोज, आगे भी पूरे बिहार के पुलिस कर्मियों को दी जाएगी डोज। रोलर के नीचे दबने से युवक की हुई मौत। बेगूसराय में बहन की शादी की खरीदारी कर लौट रहा था युवक, पिता को बचाने में रोड पर रोलर के नीचे आ गया। पटना में 45 प्लस वालों के लिए मिली कोवैक्सीन की 50,000 डोज, 18 प्लस को अभी करना होगा और इंतजार। स्टेट बैंक में क्लर्क के लिए 5,237 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी, कर सकते हैं अप्लाई। आज की सुर्खियों में बस उतना ही। बाकी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच बिहार।